much for your patience this afternoon. I'm Savita Samu. I'm Alka Sippy. Welcome to Natak 64th production, Rashomon. Just as Akira Kurosawa did for his short film, Rashomon, I too have adapted today's stage presentation from the short story, In a Grove, by Akuta Gawa. Kurosawa's Rashomon is considered one of the best films ever made. When we watched the film, the audience gave it a standing ovation. You know when the audience stands up? I know what a standing ovation is. But I don't think that's what happened. I think the audience was basically standing up to leave, you know, to get a head start on the traffic. And some of them happened to be clapping and you thought it was a standing ovation. I saw it with my own eyes. It was a standing ovation. Wait, you were there too. Oh my god, I think you just experienced the Rashomon effect. The Rashomon effect. I'm sure we've all had this experience where we've drawn upon a memory with a lot of excitement and shared it with someone who was right there with us, only to have this person turn around and deny it and say, that's not quite how I remember it, or I don't think that's what happened. Well, that's precisely what you're about to watch on the Natak stage today. We have four witnesses who each present their version of what happened on a fateful day when a man gets murdered. Not everything that you see or hear is always right, or wrong for that matter. It's all just a matter of memory, recollection, and ego, and the resulting perspective. It'll be really interesting to see what perspective each one of you walk away with today at the end of the show. Before we begin, please take a moment to silence your cell phone. No, flash photography is prohibited during the show. Without further delay, Natak presents Rashomon. Thank you.
हाँ कसम आज फिर तुम यार कमाल रहे ऊपर वाले बड़ी फुर्सत से बना तूने इसको बनाते हुए तूने पिछला कैसा ले तुम यहां दिल जगा वो समा हम यहां तुम यहां दिल जगा वो समा विश्वास ही ना हो जाए क्या भयंकर
घर से यदि कुछ होता है, हो सकता है, क्या है मनुष्य की सीमा? महाराज साहब, आप उपदेश बहुत बढ़िया देते हैं, पर सच कहूं तो गाय भैंसों के बीच रहकर अब आदमियों की बोली कुछ पल्ले ही नहीं पड़ती। तुम सुलझा सकते हो इस बुद्धि को, मुझे यकीन। हाथ जोड़ता हूं, प्लीज, तुम गाय भैंसों की भाषा समझ जाते हो, तुम ही बता सकते हो कि उन तीनों में से सच कौन कह रहा है। तीनों? वाह, पूरा किस्सा बताओ। ये बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही, तो जल्दी किस बात की है? बात दो दिनों पहले की। मैं गुफाओं के पीछे के घने जंगलों में हमेशा की तरह लकड़ी काटने जा रहा है। काहे? लकड़ियां तो यहां भी कितनी है, तो तुम घने जंगल में क्यों गए? हिंदी की पिक्चरें बहुत देखते हो या भूत प्रेतों से मिलने का शौक पालते? भैया, मुंबई में लोग लकड़हारा को तभी याद करते हैं जब या तो मुर्दा जलाना हो या पूजा करानी हो। अब मनोरी गोराय के जंगलों में पूजा के लिए चंदन की लकड़ी तो मिलने से रहे, तो हमारा चूल्हा तो शमशानों की बदौलत ही जलता है। प्रेत आत्माओं की कमी नहीं हमारी जिंदगी में, वो तो ये एनजीओ वालों ने मैं गृह बचाओ आंदोलन से नाक में दम कर रखा है, तो अब जाना पड़ता है घने जंगलों में। हिंदुत्व ने जब पेट पालने का मार्ग दे रखा है, तो भला हम कौन होते हैं देवों के आर्डर्स को न मानने वाले? वाह, लगता है महाराज साहब से बहुत गहराई आराना हो गया है। ठीक, तो दो दिन पहले तुम जंगल में, नहीं घने जंगल में लकड़ियां काटने गए, मुर्दा जलाने का बंदोबस्त करने गए, पर शायद मुर्दा ही हाथ लग गया। हाँ, तीन दिन पहले, दो दिन पहले मैं जंगल में चला जा रहा था, चलते चलते दो बड़े पेड़ों के बीचों बीच सांप की तरह जमीन पर रेंगते हुए मुझे ईयर फोन्स मिले, सफेद बाल। मैं यहां सोच ही रहा था कि इस जंगल में कौन यहां छोड़ गया होगा कि थोड़ी ही दूर पर मुझे एक औरत का रुमाल मिला। इससे पहले कि मेरे कुछ कदम पड़े, अचानक मेरे सामने दो हाथ नजर आए, दो हाथ जो अकड़ गए और उससे जुड़ा एक पूरा आदमी। मैं जोर से चिल्लाया और भागा वहां से, पर शायद घबराहट में मैं अपनी कुल्हाड़ी वहीं छोड़ आया। आज सुबह थाने से इंस्पेक्टर साहब का बुलावा आया था, महाराज साहब से भी वहीं भेंट। जी हुजूर, जी जी जी, मैंने ही FIR लिखवाया था दो दिन पहले, जी बोरीवली गोराई के जंगलों में। मैं वहां अक्सर सैर करने जाता हूँ हुजूर। सरकार, कुल्हाड़ी तो मेरी ही है, पर मैंने वहां कोई पेड़ नहीं काटे हुजूर। मैं ठहरा एक गरीब इंसान, एनजीओ पुलिस के लफड़े में थोड़े ना पड़ूंगा साहब। मैंने सबसे पहले तो लाश के हाथ देखे, नहीं उससे पहले रास्ते में मुझे ईयरफोन्स मिले और औरत का एक रुमाल। लाश के पास, याद आया, लाश के पास एक कटी हुई रस्सी पड़ी थी और आसपास के पत्तों पर खून के छिड़के। तलवार? नहीं हुजूर, मुझे वहां कोई तलवार या खंजर दिखाई नहीं दिया। बोरीवली? नहीं नहीं, अब मैं तो थाना में रहता हूं। जी हुजूर, जी जी, समझ गया, बिना बताए शहर के बाहर नहीं जाऊंगा। जी इंस्पेक्टर साहब, मैंने मृत पुरुष को उसकी भारिया संग देखा था तीन दिन पहले। मैं ठहरा एक देशांतर ग्रामीण, इस दुनिया में सिर्फ एक यात्री, जहां ये पग ले जाए वहीं चला जाता हूं। उस संध्या को मैं महावीर जी के महालय में ठहरा हुआ था। महालय से गुफाओं का द्वार साफ दिखाई देता है, सूर्य ढल चुका था, अंधेरा भी हो ही चुका था लगभग, बादल भी कुछ उग्र लग रहे थे। ऐसे मौसम में इतनी संध्या को किसी को गुफाओं के पास वाले पार्क में देखो तो याद रह ही जाता है। वे दोनों चार दीवारें लांघकर पार्क की ओर गए और वहां बस गए। मैं ठहरा एक मुनि, सो स्त्री की ओर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझे इतना याद है कि बूंदा बांदी से बचने के लिए उसने सर पर एक रुमाल बांध रखा था, कानों में ईयरफोन्स थे। उसकी वेशभूषा से लग रहा था कि वह एक नृत्यांगना है, किंतु चेहरे पर मैंने गौर नहीं किया।
लेकिन वह यजमान मुझे अच्छे से याद है। मुंबई शहर में किसी को तलवार समेत देखना कोई साधारण बात नहीं। उनके पास दो तलवारें, एक खंजर और हाँ एक बांस का डंडा भी। मालूम हुआ कि वह दोनों अपनी कला का अभ्यास करने वहां पधारे। इसे पता था कि मृत्यु उस यजमान के इतने निकट थी। मनुष्य का जीवन वास्तव में सुबह की ओस की तरह अस्थिर और निर्बल। कितने दुख की बात है कि उनके जीवन का अंत ऐसे होना था। कभी कभी लगता है यह श्रद्धामय मन अंत में एक दिन टूट ही जाएगा। मानव जाति पर जो शेष विश्वास रह गया है किसी न किसी दिन नष्ट हो जाएगा। नमो अरिहंताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयरियाणम्, नमो वच्छायाणम्, नमो लोए सव साहुणम्। केशो पंचणमोकारो सव्वमावप्सरो। ओए साहब मीच तो भाई को मैंने ही पकड़ा है। भाई को पकड़ना मुश्किल ही नहीं ना मुमकिन है पांडो। ओ साहब ये वही भाई है, मुंबई का मशहूर भाई जिसने पता नहीं कितने औरतों को छेड़ा है और कितनों की जिंदगियों को बर्बाद किया है। और मैंने पकड़ा इसको। पिछले साल एक गोरी टूरिस्ट मैम अपनी फ्रेंड के साथ आई थी। आए तो थे दोनों मुंबई दर्शन के लिए, पर लाश बने नाले में पड़े मिले। वो भी इसी का काम था। साहब मुझे तो कोई डाउट ही नहीं है, 100% इसी ने मारा उस आदमी को। वो साहब वो बाबू का डंडा मैंने जब्त किया, इसी के पास पड़ा मिला था। वो साहब मैंने वेरीफाई कर लिया है, वो डंडा उसी मरे आदमी का है। नहीं साहब वहां कोई औरत नहीं थी। आप बताओ इसने उस औरत के साथ क्या क्या किया होगा। मैं तो कहता हूँ साहब लगे हाथ मिसिंग पर्सन का भी केस कर डालते। उनके पड़ोसियों से सुना है लड़की खूब सुंदर होती साहब। नहीं मुझे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा केस इन्वेस्टिगेट करने में। तो खोल दो साहब वो एक मिसिंग पर्सन। सॉरी सॉरी साहब हाथ का भी फोकस करेंगे। दो दिन पहले की बात थी, सनसेट के बाद मैं पार्क के बाहर बंदोबस्त ड्यूटी पे था एज यूजुअल। वो बीवी ने दो चार रोज का राजमा खिलाया था तो मुझे जंगल में जाना पड़ा। पर जैसे ही मैं झाड़ी के पीछे बैठा, झाड़ी के उस पार था लेता हूँ भाई सरेंडर करने के लिए ऐसे हाथ जोड़े बैठा था। मुझे इस देख के डर गया। वो दो तीन बार पहले भी पकड़ में आते आते जो बच गया था, डर गया होगा साला। तू सपने एकदम झकास देखता है पांडू। है कुछ साला बीमार पड़ा हुआ था अपन उधर देसी दारू में भैंचोद पता नहीं क्या मिला दिया। मैंने पकड़ा है भाई तू खाया से चूतिया साला। इंस्पेक्टर साहब आप भी क्या याद रखोगे कि किस भाई से पाला पड़ा था आपका। अपन बताता है उस शाम को क्या हुआ था। अब सजा तो आप दिला कर ही रहोगे, चाहे अपन सच बोले या बंडल मारे। साफ दिख रहा है साहब आपने पहले से इच तय कर लिया कि खून अपन ने इच किया है। वो अपना वाट लगाने का प्लान भी रेडी करेगा ना उन क्राइम्स के लिए जो अपन ने किए। क्या आपको लगता है कि अपन ने किए या फिर उन क्राइम्स के लिए जो आपकी नजर में अपन करने वाला तो अपन झूठ काई को बोलेगा। मैंने उस आदमी को मारा है। क्यों? क्योंकि बारिश हो रही थी और पत्ते हिल रहे थे। नहीं सच्ची ना ना पत्ते हिलते ना टिश्यू टिश्यू पड़ा हुआ था रोज की तरह मार तलियों के कि अचानक किसी बर्फी के पायल की आवाज उनके कानों में पड़ी। बोतल से उठकर ऊपर देखा तो पत्ते हिले और उस
आइटम की खूबसूरती पगला गई। एक झलक बस एक झलक। तलवार खंजर हथियार के शौकीन मालूम होते हो साहब। हु आर यू? अरे अरे इट्स ओके यू वांट ड्रिंक सम? नो थैंक यू। हु आर यू? और ढका सया सिल्वर हैंडल हथियार पसंद है क्या? जापानी तलवार वो पत्थर से जड़े रेड ग्रीन पत्थर अपने पास एकदम लेटेस्ट माल रहता है सब। अरे इन सब का स्मगलिंग चलता रहता है। बिजनेस बिजनेस तेरे को सस्ते में देगा माल देखोगे क्या? अपने पास एकदम मस्त माल रहता है सब। तुम्हारा मतलब है जापानी समुराई स्वॉर्ड? अरे वेट वेट वो डायमंड वाले पत्थर वाले वेट। नो थैंक यू। ठीक है किसी और को भेज देगा तुम। अरे ऐसा माल बहुत डिमांड में रहता है। रुको प्राइस क्या लोगे? बगैर देखे मैं कुछ नहीं लेने वाला जस्ट सो यू नो। ऑफकोर्स हरे बिजनेस मैंने आपको बिना देखा है बगैर कुछ नहीं बेचेगा। बोले तो अभी चले गया माल देखे। यू मीन यू हैव इट हियर? हाँ इधर है क्या अपना ऑफिस ये अलीगढ़। वही बोल रहा माल देखो ऑर्डर बोलो रोकड़ा कर ले लो साहब चलेगा। स्वीटी 30 मिनट्स यू कीप प्रैक्टिसिंग आई विल बी बैक एंड प्लीज कीप आई ऑन माय वर्ड्स डोंट वांट टू गेट रॉक व्हेन आई एम गॉन। एक झलक बस एक झलक क्या माल थी वो? उस पहली नजर में अपन ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी है चाहे उसके लिए उस पंडर को खल्ला से क्यों ना करना पड़े। मारना कोई बड़ी बात नहीं है ऐसा। ये खून खराबा तो आप जैसे शरीफ लोगों के लिए बुरा है। आपने स्टेटमेंट की मांग की है तो अपन कन्फेस करता है अपन मारता है हक जपाने के लिए पेट पालने के लिए भूख मिटाने के लिए ये चाहे वो भूख पेट के हो या जब जब किसी लौंडी का भोग लिया है ना किसी को तो मारना ही पड़ा है। लेकिन लेकिन इस बार उसे मारना नहीं चाहता था साहब। अपन चाहता था कि एक बार उसे बिना छीने अपना बना लेगा ना तू। इसीलिए तरकीब निकाली उस पंडल को रास्ते से हटाने की। आसान था वो अकेली आदमी लालची जैसे अपन सब होते आप मैं आप 2 मिनट नहीं लगे उसे बहकाने में। चुपचाप सुमड़ी में अपन के पीछे आ गया उस छमिया को अकेला छोड़कर। जैसे जंगल के पीछे का गुफा क्रॉस कर गया ना अपन ने पीछे से उसको दबोच लिया। फाइटिंग का हीरो कमजोर थोड़ी ना होगा तो अपन ने उस पर सरप्राइज अटैक किया। आसान नहीं था उसको काबू में करना। अमिताभ बच्चन जैसा लड़ रहा था छूट गया। लेकिन अपन भी भाई है ना साहब बांध दिया गांडू को पैर से और फिर उसे चिकनी की शक्ल याद आ गई जो चूते का इंतजार कर रही थी। तो अपन गया उसके पास। किसी ने ऐसे नहीं देखा अपन चाहता ना तो घसीट लेता उसको इधर ही। लेकिन लेकिन जैसे देखी ना अपने को वो डरी हुई फिरनी की माफिक
जलन होती है उस मादर चोट से। दिखाता हूं जिसपे वो इतना मरती है ना, वो गांडू कैसे बंधा पड़ा है।
अरे चुप, एकदम चुप। मार नहीं डाला है तेरे को अपन ने। देयर योर हस्बैंड। या हाथ खोलो और फूट ले, अपना काम खत्म। मैं ऐसे नहीं जी सकती। How can I go on disgrace like this? मेरे पति की नजरों में, तुम्हारी नजरों में। अपन से क्या फर्क पड़ता है तेरे को? You are free. और नहीं चाहिए तू। अपन को आज के बाद देखेगी नहीं तू। देखूंगी। तुम हमेशा देखोगे मुझे। I'll see this place, this street, this ground, this dress. I'll see it all till the day I die. You had your way with me. अगर तुझमें हिम्मत है, तो एक मौका दे मेरे पति को लड़ने के लिए, उसकी और मेरी दोनों की इज्जत के लिए। ये डर दिखता है क्या तेरे को? कुछ भी बोलती है साली। सिर्फ एक मौका, लड़ो मेरे लिए। अगर वो हार गया तो मैं तुम्हारी। इवन भाई लाइक यू मस्ट हैव सम फीलिंग्स, सम इमोशंस। गिव मी जस्टिस। जस्टिस? संध्या भी है क्या? क्या बंदर को चोदू दिखता है? इस हिजड़े को खुला छोड़ देगा फाइट करने के लिए और छत्तीस राम से बोलेगा आखरू मारो मन को। तेरी चिकनी चुपड़ी बातों पे फिसलने वाला नहीं। एक मिनट, एक मिनट। नहीं तू ये तो नहीं चाहती कि अपन इसको मार डाले? तू यही चाहती है रे? अपन को तो तेरे जैसे आते जाती कोई भी मिल जाएंगे। तेरे लिए काई को चांस नहीं देगा रे। क्या है काई को चांस? लड़ेगा अपन तेरे लिए। Thank you.
लेकिन मारना पड़ा, कायर नहीं अपन, खो दिए थे उसके और दे दी थी उसी की तलवार उसी के हाथ में। क्या जम के लड़ा मादर छोर, लेकिन उस भड़वे को ना किसी और के साथ फाइटिंग खेलना चाहिए था। क्या ना साहब, अपन ने कभी तलवार चलाना छुरी चलाना सीखा नहीं है, लेकिन अंडरवर्ल्ड का आदमी है, जान बचाने के लिए छुरी चलाना हमला बोलना करना पड़ता है। पता नहीं कब कौन पीछे से हमला कर जाए, यहां तेंदुए बहुत ढूंढते हैं ना साहब, लेकिन अपन की लाइफ में वो फर्स्ट एंड लास्ट आदमी है जिसने भाई पे हमला किया। गौरव क्या मालूम साहब, भागे इस टाइम कुएं में कूद गई होगी, क्या वो अपने ही खंजर से सुसाइड कर ली होगी, अपन को क्या? क्या साहब आप भी भाई ढूंढेगा उसको, अरे इतने खराब दिन नहीं आए भाई के अब तक। अभी सोचता है ना तो लगता है अपन को उसकी अदाए पसंद आ गई। क्या तेवर थे, कितना गुस्सा और कितना घमंड, ये सब बातें अट्रैक्ट कर गई शायद अपन को, लेकिन फाइनली तो थी एक औरत इचना। मतलब भाई ने सिर्फ एक बार और जाने दिया उस औरत को, बहुत जल्द ही पुलिस को किसी नाली या कूड़दान में मरी हुई मिलने वाली। क्या मतलब? अरे भाई जैसे आदमी के लिए एक और खून करना कोई बड़ी बात थोड़ी है। नहीं भाई ने उसकी हत्या नहीं की, वो आज सुबह पुलिस थाने आई थी। जिंदा है वो? हाँ, पुलिस को वो इस महालय में छिपी हुई। चलो ये अच्छा, भाई ने तो अपना जुर्म कबूल कर ही लिया था, अब इसकी गवाही के साथ भाई सीधे जिंदगी भर के लिए अंदर। लेकिन उस वनिता ने उसने भाई को अपराधी बताया ही नहीं, उसकी कहानी तो पूर्णतः विपरीत। झूठ, सब झूठ, भाई और सौरभ दोनों ने सरासर झूठ बोला है। सत्य वचन तो एक साधारण मानवीय लक्षण है, क्या ऐसा कोई भी मनुष्य है जो स्वयं से पूर्ण सत्य कह सकता हो? सदैव संभव हो ये तो नहीं मानता हूं, लेकिन इतना असंभव भी तो नहीं, शायद असंभव भी, शायद आत्मा की दुर्बलता ही असत्य कहलवाती है मनुष्य से। फिर से उपदेश, सच झूठ से क्या फर्क पड़ता है, कहानी में मजा आना चाहिए बस। तो ऐसा तो क्या विपरीत कह दिया उस औरत ने जो आप दोनों इतने हैरत में पड़े? भाई ने तो अपना जुर्म कबूल कर ही लिया था, तो किसी और गवाही की कोई गुंजाइश ही कहां है? गुंजाइश? लेकिन उसकी गवाही तो इतनी विपरीत थी, उसके मुखमंडल पर ऐसी कोई उग्रता या घमंड था ही नहीं जैसा कि भाई के विवरण में था। एक निस्सहाय पीड़ित पक्षिणी की भांति खड़ी थी वह पुलिस थाने में, बिल्कुल विवश। यस सर, this is my child, my only child. Her mai and my husband were bhau bahin. After they died in the accident, we only had each other.
She was so little, no? I had to take care of her. We were very rich. But all these bloody relatives, you know. But I never let my babu suffer even one day. I was married for 8 years. Childless. Then God took pity on me and handed me babu. Like a beautiful, delicate, fragrant flower, she landed into my arms. And I always treated her so. Dressed in the best of frocks, she always wore a new one to Sunday mass. Not like those other vernacular medium kids around. She was always a looker. So graceful, so stunning, man. Sorry, Mr. Inspector, but seeing my daughter so lost and helpless brought back some memories. Yes, the dead man is her husband. A very strong and powerful boy, but still so kind, so rich. He and my daughter practically grew up together, you know. And I always knew in my heart that he was the one for her. He adored her even when he was a little boy. I cannot imagine why someone would want to kill him of all the people. Such a nice boy. So strong. Sahib, please do everything you can to punish the gunda who did this. Someone told me years ago to come to Bombay, the city that never disappoints anyone. So I came. But I will tell you, Sahib, this place is very bad. Wo to Mote Sahib was our protector. Varna these hooligans and roadside homios, full of ruffians this place is. What to tell you? In the local trains, on the roads, it is a crime to be a woman here. Babu had so many suitors. But how could I have given her away to anyone else other than him? He was the most eager, most worthy of her. I had to force her a little to marry him. But I did it for her goodness, Ray. Mahi, please. I beg of you. Stop this shit, I will you. Do you even realize the gravity of the situation here? Can't you see what has happened to me? To him. Sorry, Mr. Inspector. Please ignore her, huh? Poor thing is all shaken up now. So shocking what has happened to her. Mai was a maid servant in my husband's house. She's not very educated. Bade Saab, my husband's father, took pity on our poverty and took us in. He didn't have a wife, and she a husband. Why do you have to bring all these unnecessary details now, Babu? What does it matter if I was a maid servant or not? Mai, this is no time for your false fantasies and dreams of what never was. I grew up a servant's child. My husband was Bade Saab's son for me when I was growing up. There was no equality between him and me in any way. And yet, I spent several teenage years admiring him, wondering why fate was so cruel to me. I yearned for his affection and admiration. But it seemed like I did not exist for him. He would look at me, but he would see through me. I was a living ghost for him. I tried really hard to grab his attention my entire growing years. And then one day, there was no window. And I was tidying up his room. He walked in and seemed to notice the flowers in my hair for the first time. I remember my cheeks burned from his touch. I
I tried to be the wife that he wanted, the one that Padesa wanted, the clothes I wore, he chose. I learned to walk, talk, dance, everything the way he wanted. I started living for him. I would fear every day that if I went to sleep and woke up, the dream would be over. That day, how can I ever forget that day for as long as I live? अरे वो इतना लालची है साला, आई डू नथिंग, वो माल लेके भाग गया, बोला अपने पास रोकड़ा तो नहीं है, लेकिन एक चिकनी बीवी है। What nonsense, वो कंजूस है, वो ऐसा कभी नहीं कह सकता। साली, तेरे को इधर अंधेरे में अकेले मरने को छोड़ के गया वो, और फिर भी तेरे को उसकी इच्छा पड़ी है, चल चल तेरे को दिखाता हूँ तेरा पति परमेश्वर कितना शूर है। चल चल यार। Thank you.
grateful. I can't imagine how horrible it must have been for you. Watch so helplessly. I want you to know that he couldn't hurt me. He couldn't break me. Us. All I thought about was us. Our life together. He couldn't touch that. I'll forget about this night, Mirijan. Tum bhi bhool jao, please. And we'll go on living. अब समझ में आ रही है तुम दोनों की दुविधा। जितना ज्यादा सुनता हूं उतना ही बड़ा घपला लग रहा है।
कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इन दोनों में से सच कौन बोला। मैं तो उस वनिता के मुख को भुला ही नहीं पा रहा हूं। इतनी पीड़ा, इतनी विवशता। ठीक है, थोड़ा रोई, थोड़ा गिर गिराई, इसमें नया क्या है? ये तो है ही औरतों के औजार, वे रोने लगती हैं और हम लोग मोम बनकर पिघल जाते। लेकिन क्यों, क्या जरूरत थी उसे एक ऐसे गंभीर अपराध को स्वीकारने की जो शायद उसने किया भी ना हो। औरत कोई भी चीज क्यों करती है किसे मालूम महाराज। उनके मन में छिपी चालाकियों और छल को पढ़ना किसने को आता है? हो सकता है उसने ये बयान आप जैसों की हमदर्दी जीतने के लिए दिया, और लगता है हमदर्दी तो वो जीत भी चुकी है। कम से कम आपकी, उसने एक खून का अपराध क्या स्वीकार कर लिया, आप तो उसका चेहरा ही नहीं भुला पा रहे हैं। कितना मासूम, दर्द और सच्चाई से भरा चेहरा, क्या पता इस सच का लबादा ओढ़ दे तो शायद फांसी से भी बच जाए। महाराज साहब, आप इसके बहकावे में मत आइए। कैसे ना, उसकी वाणी में भी तो कुछ सत्य अवश्य है, और फिर उस नारी के प्रमाण पर पूर्ण विश्वास कैसे कर लूं, जब उसी पुलिस थाने में मृत आदमी का बयान खुद हम दोनों ने सुना है। मृत आदमी का बयान? हाँ। पता नहीं था महाराज साहब के मोक्ष की प्राप्ति के खोज में आप भी। मृत आदमी ने भी अपना बयान पेश किया एक अति इंद्रिय संवेदी के माध्यम से। माता जी नाम है उनका, और अक्सर पुलिस को ऐसी घटनाओं में सहायता देती है। उसका बयान भी झूठ से भरा हुआ था। लेकिन एक गतजीवित पुरुष तो असत्य नहीं कह सकता। ऐसा क्यों? मैं नहीं मानता कि मनुष्य जाति इतनी पापमय हो गई है कि कोई मृत्यु पश्चात भी असत्य बोले। चलो, ये भी अच्छा गुमान है, पर क्या सच में ऐसा एक भी आदमी है जो हमेशा सच बोलता है? क्या ये मुमकिन है? मुझे तो लगता है अच्छाई भी एक माया है, एक नामुमकिन माया। कितना भयंकर विचार महाराज साहब। आदमी का दिमाग भी अजीब चीज है, उससे कभी बुराई पचती ही नहीं। आपने कभी ये सोचा है कि इस दुनिया में अच्छाई नाम की कोई चीज है ही नहीं, और उसे बनाया गया हो हमें एक लाइन में रखने, उससे सब कुछ कितना आसान हो जाता है ना? कितने कुछ विचार। ठीक है, कोई बात नहीं, उस प्रेत आत्मा का बयान भी सुन ही लेते हैं। क्या कहा भाई माता जी ने? Helplessly as he devoured my beautiful wife.
She was broken, and my heart ached for her. But he did not just walk away. After he had attacked her, he sat next to her, spoke to her sweetly, trying to console her like a man who knows how to. And every once in a while, he would touch her as if he sincerely cared for her. I winked and grunted and struggled through my rope, trying to tell my wife, do not fall for his false words. He worked methodically to brainwash her in his cunning little ways. He made her fearful of what society would think about her now that her virtue was stained. He convinced her that I would not be able to accept her or look at her the same way again. He instigated her to leave me and marry him instead. He said he had been watching her for a while, and he only attacked her out of his love for her. When my wife heard these words, she looked up at him as if in a trance. She had not looked so beautiful in all our years of marriage. After all I had given her and done for her, what is her response to Pai's proposal in front of me? Wherever. Tum jahan chaho mujhe le jao. Just take me away from here. That's what she said. And that's not the only sin she committed. Or I would not be wriggling in pain and jealousy in this burning, endless pit here. Look down. Put me down. Kill him. जब तक वो जिंदा है मैं हमेशा उसकी बीवी रहूंगी तुम्हारे साथ चली भी गई तो उसे भुला नहीं पाऊंगी मार डालो इसे क्यों नहीं मार डालो सब कुछ शांत था जैसे कुछ हुआ ही नहीं था
not feel the wind anymore. Char aur sannata hi sannata. Main maut ke intezaar mein wahan pada tha. The dagger deep in my heart. All of a sudden, I heard the crackling sound of leaves as someone approached me. I struggled to see who it was, but I could not. That someone gently pulled out the dagger from my heart. My warm blood gushed all over me. मानता कि वह तीनों असत्य कहना चाहते थे। कुछ तो कारण अवश्य
था जो तीनों को असत्य कहने पर विवश कर रहा था। कारण कारण तो ये है महाराज साहब कि आदमी उतना ही सच कह पाता है जितना कि वे खुद पचा सके, जिससे कहीं वे अपनी ही नजरों में खुद गिर न जाए। मैं नहीं मानता, अवश्य कुछ अन्य कारण जरूर होगा। मोक्ष का मार्ग पूरा का पूरा कूड़े से भरा है महाराज साहब, नहीं तो क्या हर कोई उस पर नहीं चला जाता। पर लगता है आप भी सांस रोके बैठे हैं कि कोई चमत्कार होगा और ये सारी की सारी बदबू जो है किसी मदमस्त खुशबू में बदल जाएगी। शायद वह चमत्कार तुम, मैं, हाँ तुम, तमसो मा ज्योतिर्गमय, शायद तुम हमें इस अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए ही आए हो। अचानक यू बारिश का बरसना, तुम्हारा यहाँ आश्रय लेना, हम दोनों का तुम्हें यह कहानी सुनाना, शायद यह सब एक चमत्कार ही है। शायद तुम्हारे स्वांग और निंदा के मार्ग से ही छिपा हुआ सत्य निचोड़ पाएंगे हम। मैं दैत्य दूत, सच कहा गया है, जिंदगी में कब कौन सा मोड़ आ जाएगा और अपने साथ क्या चंभा लाएगा ये कोई नहीं जानता। आज ये बारिश इतना मजा लाएगी किसे पता था। दैव्य दूत का हाथ तुम्हारे सर पर है दोस्त, आगे बढ़ो, आज तुम्हारे ओठों से खुद भगवान महावीर शब्द बनकर निकलेंगे। पर मैं, देखो सत्य में कभी भय नहीं होता, निर्भय होकर बताओ तुमने क्या क्या देखा उस दिन। दो दिन पहले, तीन दिन पहले मैं जंगल में चला गया था, चलते चलते दो बड़े पेड़ों के बीचों बीच सांप की तरह जमीन पर रेंगते हुए मुझे ईयरफोन्स मिले, सफेद वाले। मैं यह सोच ही रहा था कि इस जंगल में कौन यह छोड़ गया होगा, थोड़ी ही दूर पर मुझे एक औरत का रुमाल मिला। इससे पहले कि मेरे कुछ पल्ले पड़े, अचानक मेरे सामने दो हाथ नजर आए। हाँ, ये सब तो तुम पहले भी बता चुके हो, आगे। इससे पहले कि मेरे कुछ पल्ले पड़े, अचानक मुझे चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। मैं फौरन पास की झाड़ी के पीछे जाकर छिप गया। वहां से झांक कर देखा तो वह आदमी नजर आया, एक पेड़ से बंधा हुआ। मतलब जो तुमने पहले कहा था कि वो आदमी तुम्हें मरा हुआ मिला वो झूठ था। इतनी बार बताऊं कि मैं कोरट के छिप। हाँ हाँ, समझ गया, आगे। थोड़ी ही दूर वह औरत बैठी हुई थी और अपने बाल सवार रही। बाल सवार रही ऐसी हालत में, चलो और करते भी क्या, आगे। उस औरत के पास भाई अपने घुटने टेक कर बैठा हुआ था, मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा। भाई घुटने टेक कर, मैं तो कहता हूं इस वाले का हाल ही नहीं सबसे ज्यादा मजा आ रहा है। रुको मत, आगे प्लीज। अरे माफ कर दे रे, अरे कितनी बार और कहूं, आई एम सॉरी। आज तक अपन ने जो मन में आया वो किया, आगे पीछे कभी कुछ नहीं सोचा, लेकिन आज आज सब कुछ एकदम एकदम अलग लग रहा है। तू मिली पर बस नहीं हुआ, अपन तड़प रहा है तेरे को अपना बनाने के लिए। कहना बहुत मुश्किल है लेकिन अपन कह देता है, अपन से शादी कर ले प्लीज। हाँ देख देख तेरे पैर पड़ता है, अरे भिग्गी बिल्ली के माफिक तेरे सामने घुटने टेक कर बैठा है, मान जा। हाँ तेरे को पसंद नहीं है ना तो ये भाईगिरी सब छोड़ देगा अपन, ये खून खराबा लूट मार सब कुछ आई शपथ। और तू पैसे का टेंशन मत ले, अरे बहुत पैसे है भाई के पास, तेरे को जिंदगी भर कुछ नहीं करना पड़ेगा, तेरा जिस चीज पे दिल आएगा ना उसे तेरा बनाना लेगा, एकदम एकदम रानी की माफी रखेगा रे मैं तेरे को। हाँ आई प्रॉमिस, और तू किसी को भी पूछ ले, भाई का प्रॉमिस इज फाइनल। हाँ तू सिर्फ बता तेरे को क्या चाहिए, तेरे लिए कुछ भी कर सकता है अपन। हाँ तू
तुम आते नहीं है क्या अपन के पास पैसे? चल तेरे को दिखाता हूँ, हरे सब कुछ है, अच्छे कपड़े, ज्वेलरी, कैश, तू सिर्फ बता तेरे को क्या चाहिए। हाँ, तेरे को पायल पसंद है ना? हाँ, अरे कुछ तो बोल, तेरे लिए कुछ भी कर सकता है। समझा अपन भी कैसा ढक्कन है ना साला। तेरे को ये गंदे हराम के पैसे नहीं चाहिए, ठीक है तो अपन ये सब अपन छोड़ देगा, ये अपन जॉब करेगा। हाँ, आप कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेगा, अपन कुली का काम करेगा। हाँ नहीं, सेल्समैन का, तू बस साथ चल अपने। 2 महीने से देखा है तेरे को, तेरी आंखें, तेरी यादाएं, तू चाहिए अपन को, अपन से शादी बना ना प्लीज। हाँ, अरे साली कुछ तो बोल ना। हाँ ना, ना ना बोलेगी ना तो जान ले लेगा मैं तेरी। हाँ बोल अरे देख अपन को और बोल, तू शादी बनाएगी अपन से? नहीं हो सकता ये, मैं किसी और की बीवी हूँ। And a wife's duty is to her husband. ठीक है, तो मार डालेगा इसको अपन। हाँ, अरे ना रहेगा हस्बैंड और ना रहेगी ड्यूटी, सबसे आसान तरीका, फिर चलेगी ना अपने साथ। ऐसे आसान तरीके से मुझे जीत नहीं सकते। A woman can only respect a man who is willing to fight for her. Here. Now it's up to the two of you. भाई, you won't need that sword. Don't worry. मैं तुम्हें नहीं मारने वाला। तुम मुझे नहीं मारोगे? देखो, मैं यहाँ मरने मारने नहीं आया। मुझे जाने दो। Besides, I refuse to risk my own life for such a woman. Such a woman? I am your wife. What about my honor? You have been with 2 men, yet you picked the sword to cut my rope. Why did you pick it up instead to kill yourself? That's what a woman with 2 honor would have done. I see. So that's what a woman with 2 honor would have done. But I, being what I am, hopeless. I don't want this shameless bitch. You can have her. She's all yours. At this point, I'll rather lose her than risk getting myself hurt. How shameless can you get following me? Stop howling. It's not going to work on me anymore. अरे छोड़ो ना साहब, ये औरत लोग तो और आता है क्या? कमजोर भी होती है। कमजोर? औरत कमजोर होती है? It's the two of you who are important. Napunsako. What use is all your bragging and talks about sword and fighting skills if you cannot defeat the one man who destroyed your life? He overpowered you, bound you, gagged you, toyed around with your wife in front of your very eyes. If you are a true man and my husband, why don't you kill this man? And then you can turn to me and ask me to kill myself. That is a real man. Or tum, you are not a real man either. Bhai, Bombay ka bhai. Tang aa gayi thi main uske jhoot se, uske jhoote vaadon se, uske jhoote ghamand se. Mujhe laga ki tum of all people will get me out of this situation. कि अगर तुम मुझे यहां से ले जाते तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करती। मुझे लगा
चाह, जुनून, सब खत्म। तुम भी उतने ही कायर निकले जितना कि ये है। मैं इस जगह को नर्क नहीं बनने दूंगा।
महाराज साहब, ऐसे उलझने से क्या होता है? आप ही बताइए, इन चारों में से कौन सी कहानी मानने लायक है? आखिर में तो ये कोई नहीं जानता कि आदमी जो करता है वो क्यों करता है। ये क्या कर रहे हो तुम? तुमसे मतलब? शर्म नहीं आती तुम्हें एक अनाथ बच्चे से चोरी करते हुए? अरे मैं नहीं लूंगा तो कोई और ले जाएगा, तो मैं ही सही। शैतान हो तुम। शैतान मैं और शिशु के माता पिता, वे तो बड़े भले हैं। खुद मजा लूट लिया और जिम्मेदारी का वक्त आया तो इसे यहाँ छोड़ गए मरने के लिए। शैतान तो वे हैं। तुम्हें क्या पता वे इसे यहाँ किन हालातों की वजह से छोड़ गए? देखो बच्चे के गले में ताबीज बंधा हुआ है, तुम क्या जानो उन्हें कितना दुख हुआ होगा या करते हुए। मेरे पास ये सोचने का वक्त नहीं है कि उन पर क्या बीती होगी। खुदगर्ज हो तुम। तो उसमें गलत क्या है? खुदगर्ज नहीं बनोगे तो जिंदा कैसे रहोगे? पैरों तले कुचल कर चला जाएगा ये जमाना, कैसे बचाओगे अपने आप को? अरे सब के सब खुदगर्ज झूठे हैं मक्कार, सब के सब अपने ही हम में डूबे हुए हैं, खुश हैं अपनी रचाई दुनिया में। भाई वह औरत तुम सभी अपनी नजरों में अपनी हरकतें कभी गलत लगती ही नहीं है। और तुम नहीं हो खुदगर्ज, तुम बड़े सत्यवादी और ईमानदार हो। तुमने उस इंस्पेक्टर को बेवकूफ बनाया होगा, मुझे नहीं। उस भाई ने अपने बयान में खंजर का जिक्र किया था, लेकिन उस हवलदार को वहां से उस आदमी का डंडा मिला तो खंजर गया कहां? नहीं, सवाल यह है कि तुमने उस खंजर के साथ किया क्या? खंजर भी चांदी का था क्या या मोती गड़े थे उसमें? बताओ जरा हमें भी तो बताओ, हवा में गायब हो गया या जमीन खा गई? अबे तुमने नहीं तो और किसने चुराया खंजर को? अब बताओ तुम्हारे आंखों देखे बयान पर क्यों यकीन करूं? महाराज साहब ये रहा आपका सत्यवादी पुरुष, एक चोर दूसरे को चोर बुलाता। तुम्हारे पास ये तलवार? हाँ तो मतलब तुम भी उस दिन? हाँ मैं भी वही कही, मैं भी तुम लोगों की तरह मनभड़न कहानियां रचा सकता। मेरी गवाही में ही सबसे अधिक सच्चाई होगी। सुनोगे? Thank you.
I can watch future Natak productions. We have two more coming up this season. One in September called Mahabharat. It's the greatest story ever told. And one in November called Mela, which is basically a collection of short plays in different regional languages. We are all volunteers here. We've all been in your seat at some point. So if you'd like to join us, audition for us, or come join the backstage team, please join our mailing group on our website. That's natak.org, naatak.org. Thank you again so much for joining us this afternoon, and have a wonderful drive.